हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ भारती। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा प्लांट जो है लेकर आई हूँ, जो कि एक वेंडिंग जो कि वैरायटी है। और वैसे इसको इंच प्लांट बोलते हैं क्योंकि इसका जो पत्तों का साइज़ है वो 1 इंच होता है, जिसके हिसाब से इसको इंच प्लांट बोला जाता है। तो वैसे तो जो भी इसकी नेचर है वेंडिंग जो की तरह ही होती है। जिस तरह से हम वेंडिंग जू को अपने गार्डन में ग्रो करते हैं, थोड़ा उसको शेड देते हैं, थोड़ी धूप देते हैं, तो उसमें हल्की सी वेरिएशन होती है, तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन है। आप देख सकते हैं ग्रीन और पिंक का जो इसमें कलर है वो काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। तो अगर आप इसको ज़्यादा पिंक करना चाहते हैं तो आप इसको थोड़ी हीट वाली धूप दें, और अगर आप इसको थोड़ा ग्रीन रखना चाहते हैं तो आप इसको ठंडे वाले हिस्से में गार्डन के या बालकनी में रख सकते हैं। तो मैंने तो इसको तीनों जगह पे रखा हुआ है, मतलब तीन मैंने इसको जगह पे लगाया हुआ है। तो ये वाला जो पॉट है ये मेरा सनलाइट में है, थोड़ी इस पे बालकनी में, जैसे पूरे दिन की जो भी धूप आती है, शाम की धूप को छोड़ के पूरे दिन की धूप इस पे पड़ती है। इस पे छोटे छोटे आजकल फूल भी आ रहे हैं जो कि देखने में काफ़ी प्यारे लग रहे हैं, वाइट कलर के। और इसके जो पिंक एंड ग्रीन कलर हैं, इनकी जो वेरिएशन है ये भी काफ़ी खूबसूरत लग रही है। तो अगर आपकी आप इसकी वेरिएशन को मतलब कि चेंज कर करके देखना चाहते हैं तो आप इसको जो है अलग अलग तरह की धूप और जो शेड है वो दे सकते हैं। तो ये मेरे पास छोटी सी कटिंग मुझे मिली थी और कटिंग से मैंने इसको इस पॉट में ग्रो किया था। तो ये इसका मदर प्लांट ही है। अभी इसमें ये इतना बुशी नहीं है, लास्ट जब समर सीज़न था तो काफ़ी बुशी हो गया था। एक हैंगिंग जैसे प्लांट होता है बिल्कुल वैसा ही है ये, बहुत अच्छी ग्रोथ की थी। तो अभी भी जैसे समर सीज़न आ चुका है तो इसकी जो ग्रोथ है और भी ज़्यादा अच्छी हो रही है। तो इसी को देखते हुए, क्योंकि ये एक हैंगिंग प्लांट है, तो मैंने इसको एक हैंगिंग पॉट में भी लगाया था। तो कुछ ही कटिंग मैंने लगाई थी, लेकिन उसके बाद इसकी जो टाइम है या सर्दियां आ चुकी थी, तो सर्दियों में ये प्लांट थोड़ा ग्रो करना कम कर देता है या बंद कर देता है। तो उसकी वजह से इसमें कटिंग इसकी बिल्कुल ख़त्म ही हो गई थी। तो मैंने इसमें अभी सोचा था कि कोई और प्लांट लगाऊंगी, लेकिन जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ रही हैं तो इसमें से जो कटिंग्स हैं वो इसकी काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो गई हैं। तो अभी इसको देखते हुए मैंने इसको ऐसे ही रहने देना है। इसके पत्तों में आप ये जो ग्रीन कलर देख रहे हैं, पिंक इसमें काफ़ी कम है, तो क्योंकि हल्की सी जो सनलाइट है इस पे पड़ती है, बाकी ये पूरा सनलाइट के बिना ही रहता है, पूरा शेड में रहता है, जिसकी वजह से इसकी जो पत्तियां हैं वो ग्रीन ही है और वेरिएशन इस पे काफ़ी कम है। लेकिन आप इसमें देख सकते हैं फूल इस पे भी बने हुए हैं, ऐसा नहीं कि फूल नहीं बनते हैं। तो ये मेरा जो एक कंटेनर है छोटा सा है, इसमें मैंने थोड़ी सी मिट्टी डाल के काफ़ी सारे प्लांट्स इसमें लगाए हुए हैं। इसमें ये जो आप देख रहे हैं इसकी कटिंग मैंने लगाई भी नहीं थी, इसमें बस रखी थी, जैसे गिर जाती है तो मैंने उठाई नहीं थी। तो उसी से देखिए ये कितना बुशी हो गया है, फूल भी आ रहे हैं और कलर आप देख सकते हैं, ये शाम की या कह सकते हैं दोपहर के बाद की जितनी भी धूप है वो इस पर पड़ती है, तो उसकी वजह से इस पर इस तरह से कुछ वेरिएशन आ रही है। तो जो पिंक कलर है, प्लेन पिंक, वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो ज़्यादा डीप भी नहीं है ये पॉट, थोड़ी सी मिट्टी है, क्योंकि ये वाला जो प्लांट है इसको ज़्यादा मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती है, रूट्स इसकी बिल्कुल ना के बराबर होती हैं, तो बुशी होता है ये काफ़ी। और अगर आप इसको बड़े पॉट में ट्राई करना चाहें तो थोड़ा पानी का बैलेंस है उसको रखना पड़ेगा, क्योंकि छोटी रूट्स वाले प्लांट ज़्यादा पानी से या ओवर वाटरिंग से ही गल जाते हैं, तो आपको अच्छी ग्रोथ देखने को नहीं मिलती है। तो इसीलिए आप हमेशा इसको छोटे पॉट में लगाएं, ज़्यादा डीप पॉट ना लें, कटिंग लगाएं और मिट्टी नॉर्मल रखें, ज़्यादा इसको रिच मिट्टी की ज़रूरत नहीं है। आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।